अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, मैं डॉक्टर नूर हसन जी। ये एक लड़का हमारे गांव का है जिसकी मैंने आपको वीडियो भेजी थी इलाज की, कबूतर ठीक हुआ लकवे का। तो उस भाई का ये लॉफ्ट है, ठीक है, मैं बाहर से भी दिखाऊंगा। ये अंदर दुमंजिल मकान के ऊपर ममटी है, तो ममटी के अंदर भाई ने बहुत अच्छा सेटअप कर रखा है और ब्रीडिंग पेयर भाई कोई रखता नहीं है। बाहर से ऐसा है, सिर्फ वही कबूतर हैं जो उड़ने वाले कबूतर हैं भाई के, ठीक है। तो हम दिखाते हैं, ये इधर पानी है, ये इधर भाई ने वो दाना पानी रख रखा है। और ये देखें आप, माशाल्लाह जो भी परंदे उड़ने वाला है, और ठीक है, तो ये कबूतर है भाई जान इस लड़के के, काले और फदत्या नाम है भाई का, और मेरे गांव का लड़का है ये। और ये वो लाल चीना कबूतर है जिस पे लकवा पड़ा हुआ है, उड़ता है, सबसे सीनियर कबूतर है भाई का। और पीछे वो एक लाल मादिन बैठी है, ये भी लकवे की है, ठीक हो गई है, अंडे बच्चे करती है सही। और ये कबूतर हैं भाई के, सभी कबूतर फड़कों पे हैं, सारे परंदे हैं, दो बच्चे हैं, ये भी उड़ रहे हैं। ये भाई का अपना छोटा सा शौक है, जितना टाइम मिलता है भाई करता, और सहूलियत से रहते हैं भाई के कबूतर। अभी उठाऊंगा, अभी आ रहा हूँ। ठीक है भाई जान, देखो ये लकवे का कबूतर जो हमने दिखाया था, ये बहुत ही अच्छी उड़ान है इसमें, उड़ के आता है बहुत अच्छा। हालांकि फ़र्क तो है इसमें हल्का फुल्का गर्दन का, लेकिन उड़ने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भाई का सेटअप देखो, छोटे से सेटअप में भाई ने लाइट भी लगा के रखी है, रात बिरात अपने कबूतरों को चुगा देता है इसमें, ठीक है। देखो ये है हमारा भाई जिसका ये सेटअप है, और बहुत ही अच्छा शौक है भाई का, बहुत ही अच्छे कबूतर हैं। बाहर से भी दिखाते हैं, देखो एक बार, ये देखो भाई का पिंजरा लगा हुआ है, और एक पिंजरा इधर रखा है, छतरी इधर लगा था भाई। ये ममटी है, इसके अंदर ये खड़ा भाई हमारा सामने। तो आदित्य भाई कुछ कहना चाहोगे कि लोगों को घर घर नस्ल बनानी चाहिए और इलाज करना? नस्ल बनानी चाहिए जी, अपनी अपनी, सबको मेहनत करके। चिड़ी मारी में कुछ नहीं रखा, चिड़ी मारी करोगे तो चिड़ी मारी में क्या है, इसका पकड़ उसका पकड़, अपने कबूतरों का नाश करना, वे अपने भी फड़क पे बेकार हो जाएं। ठीक है, नस्ल बनाओ बढ़िया, अपने घर के उड़ाओ, चुगा पिगा के बढ़िया तरीके से, उनके पीछे मेहनत करो, अपने कबूतरों का लंगे बढ़िया, लाने की ज़रूरत नहीं कहीं से, अपने घर की नस्ल चलाओ। तो इमरान भाई देखो, अभी हमारा भाई चिड़ी मारी के बारे में कुछ कह रहा था, उसी बारे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ दौरान यहाँ पे। देखो चिड़ी मारी करने से तुम बर्बाद हो जाओगे, अगर कोई भी भाई चिड़ी मारी करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और बर्बाद वो होगा कैसे, वो दो तरीके से बर्बाद हो जाएगा, उसका जो पैसा है वो बर्बाद हो जाएगा, एक जो इज्जत है वो बर्बाद हो जाएगी। भाई जब आदमी चिड़ी मारी करेगा तो पूरे दिन छत पर रहेगा, तो छत पर रहने का मतलब है मोहल्ले पड़ोस वाले, उसके यार रिश्तेदार, मिलने वाले जो भी समाज के लोग हैं, उनकी नज़रों में वो बिल्कुल गिर जाएगा। ये तो पूरे दिन कबूतरों पर चढ़ा रहे हैं, सिकल भी साले की बंदर जैसी हो जाएगी, कोई रौनक नहीं जाएगी। और जब वो पूरे दिन कबूतरों में लगे रहेगा तो भाई काम धंधा भी नहीं करेगा, और काम धंधा नहीं करेगा तो पैसा भी नहीं होगा उसके पास। तो भाई आज के टाइम में पैसा भी बहुत ज़रूरी है, इज्जत भी बहुत ज़रूरी है। तो भाई चिड़ी मारी ना करें, और अपनी इज्जत और अपना पैसा दोनों चीज़ बचाएं, अच्छा शौक है, और अच्छे तरीके से करें। ठीक है भाई।